चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बर्ड क्रॉस दिस डिजाइन। ये दोनों साइड देखिए बर्ड रहेंगे और बीच में ये फ्लावर है। काफी सुंदर और आसान डिजाइन है। आप इसे चाहे तो पिलो कवर पर भी यूज कर सकते हैं या फिर पर्दा में भी यूज कर सकते हैं। चलिए आज इसे सीखते हैं बनाना। इसे कैसे बनाया जाता है? मैंने यहाँ पे इसे डबल क्रॉस स्टिच से बनाया है। आप इसे चाहे तो सिंगल से भी बना सकते हैं। अगर इसको आपको बनाना है तो सबसे पहले इस फ्लावर को बनाइएगा। फ्लावर बनाने के बाद फिर हम दोनों साइड बर्ड बनाएंगे। तो चलिए सीखते हैं इसे फ्लावर को कैसा बनाया जाता है। ये देखिए बीच में एक गैप छोड़ के 1 2 3 ये 3 क्रॉस स्टिच, फिर इस साइड 3, इस साइड 3, इस साइड 3, चारों साइड 3-3 क्रॉस स्टिच डिजाइन बनाएंगे हम लोग। फिर इसके मिडिल से 1 क्रॉस स्टिच, फिर दोनों साइड से एक एक बढ़ा के 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, टोटल 9 तक बनेंगे क्रॉस स्टिच। दोनों साइड एक 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 बढ़ा के करना है। इस साइड देखिए एक छोड़ के 1 2 3, टोटल 3 क्रॉस स्टिच, मिडिल में 1, फिर गैप छोड़ के 1 2 3, 3 क्रॉस स्टिच, मिडिल में 1। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये बनाने के बाद सेम टू सेम ये जैसे बनाए थे वैसे ये भी बनाएंगे। इसके मिडिल से शुरू करके 1 3 5 7 9 करने के बाद फिर 3, फिर एक गैप छोड़ के 3, फिर इसके ऊपर 1 1, फिर सेम टू सेम ऐसा यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। ये आपका फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी आसान डिज़ाइन है, आपको आसानी होगी बनाने में इसे। ये फ्लावर अब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इस फ्लावर को करने के बाद आप यहाँ से एक अंदाज़ा लेके यहाँ से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पोंछ से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप पोंछ से शुरू करेंगे तो यहाँ से बनाएंगे, नहीं तो अगर यहाँ पे गैप छोड़ के ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 गैप छोड़ेंगे यहाँ से हम लोग। ये 7 छोड़ने के बाद यहाँ से हम लोग इसे बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, या फिर चलिए हम इसे ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 2, टोटल 2 क्रॉस स्टिच, फिर ये 4, फिर इस साइड 1, बीच में ब्लैक के लिए छोड़ देंगे, फिर ये 2 क्रॉस स्टिच हो गया, फिर नीचे में 1 2 3 4, टोटल 4 क्रॉस स्टिच। ये पैरोट का फेस कंप्लीट है। इसके चोंच के लिए हम लोग कोई सा भी रेड कलर, ऑरेंज कलर, जो कलर आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 देंगे, फिर एक बढ़ा के 3। अब इसके गले तक 4 के बाद एक कम करके 3, फिर दूसरे कलर से 3, फिर 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 करेंगे। इस साइड बराबर ही रहेगा हम लोग का, ये साइड इक्वली रख के ये 3, ये 4, ये 6, 6 करने के बाद एक बढ़ाएंगे, फिर एक, फिर एक, एक बढ़ाना है हम लोग को। कितना टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एक 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 करके बढ़ाएंगे। इधर से हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हम लोग को इक्वल लाइंस देना है। इस साइड बराबर रहेगा, इस साइड एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे बढ़ाने के बाद एक कम हो जाएगा, यहाँ पे कम करने के बाद फिर एक कम, और ये एक साइड इक्वल, यहाँ पे लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बनेंगे। काफ़ी आसान डिज़ाइन है। इसके बाद हमें ये 2 छोड़ के, ये 2 क्रॉस स्टिच छोड़ के 1 2 3 4 5, ये 5 देंगे ये चिड़िया का पाँव बनाने के लिए, फिर एक क्रॉस स्टिच छोड़ के, एक गैप छोड़ के एक और 1 2 3 4 5, टोटल 5 करेंगे। 5 करने के बाद ये एक बढ़ा के मिडिल में, ये मिडिल में एक, ये एक एक करके देंगे, ये पाँव कंप्लीट। अब हम इसके पूंछ पे बनाएंगे। पूंछ के लिए लास्ट से एक बढ़ाएंगे 1 2 3, टोटल 3 करने हैं, फिर एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाते बढ़ाते हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 यहाँ पे बनेंगे। फिर इसे एक बराबर एक कम करके इस साइड से ले गए, फिर ये बराबर हो गया, फिर एक कम, फिर एक कम, एक कम, एक कम, एक कम, ऐसे ऐसे कम करते जाएंगे। कम करने के बाद डायरेक्ट 2 कम करेंगे, फिर एक कम, फिर ये इस साइड बराबर रहेगा और ये इस साइड बराबर रखना है हम लोग को। तो ये पैरोट आपका कंप्लीट हो जाएगा।
अब देखिए ये बर्ड हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ये फ्लावर भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके साथ सेम टू सेम अगर ऐसा बनाना चाहते हैं, ये इसके सेम टू सेम ये जैसे हम लोगों ने बनाया है वैसे इसको बनाना है उल्टा करके। यहाँ पे जैसे दो देंगे, फिर फोर, फिर ऐसे एक एक छोड़ के फोर, फिर फोर, फिर इस साइड इक्वल देंगे, जैसे ये इस साइड इक्वल था वैसे इसको भी इस साइड इक्वल देना है। ये फिर तीन हो गया, फिर चार, फिर दो बढ़ा के, फिर एक एक ऐसे बढ़ाते जाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 बढ़ा के, फिर ये इक्वली देके अब इसका पूंछ के लिए एक बढ़ाएंगे, ये एक 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 करके 10 टाइम्स बढ़ाते जाएंगे, फिर इसका पाँव के लिए 5 लाइंस करके, फिर एक एक करके, फिर ये 5 लाइंस। ये देखिए काफ़ी आसान डिज़ाइन है। ऐसे करके इस बर्ड को भी कंप्लीट कर लेना है हम लोग को। ये अब हम लोग का बर्ड भी कंप्लीट हो गया, ये फ्लावर भी कंप्लीट और ये बर्ड भी। देखिए काफ़ी सिंपल है और आसान है, आप इसे इजीली बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।